एक कविता विषय सुन लीजिएगा, मैंने कवि होने का भ्रम पाला नहीं है। बहुत बढ़िया रचना। एक वाक्य रुचि, सोम ठाकुर जी बोलते हैं, मैंने लिख लिया वो वाक्य अपने सीने पर। उन्होंने कहा कि मुझे 56 साल हो गए कविताएं लिखते हुए गाते हुए, शायद 60 भी हो गए हो अब तो, लेकिन कविता का आंचल अभी तक मेरे पकड़, ये सोम ठाकुर बोल रहे, याद रखना, देश का बड़ा गीतकार बोल रहा है, रामेंद्र जैसे लोग बोलते हैं, कविता का आंचल हमारे पकड़ में नहीं आया, कभी कभी छू छू के जाता है। जब सोम ठाकुर जैसे लोग ये कहते हैं, रामेंद्र लोग जैसे कहते हैं कि कविता का आंचल इन लोगों के पकड़ में नहीं आया, तो विनीत चौहान और प्रवीण कहने वाले कौन होते कि हमें कविता आ गई है। हम कविता के विद्यार्थी हैं, उसमें थोड़े बहुत भी निष्णात हो जाए तो इन लोगों की कृपाएं रही होंगी, हमारे पूर्व जन के कोई कर्म रहे होंगे, बाकी तो अभी बस राजरी है। एक कविता सुन लीजिएगा, ये आपका ध्यान चाहता हूं, और बस यही इन लोगों को मैं भेंट कर सकता हूं, सुरेश उपाध्याय जी के श्री चरणों में, मंगल जी के नजरों में कर सकता हूं। राजस्थान में राणा अमर सिंह का शासन था, बस आधी मिनट में, 3 मिनट में कविता भी खत्म हो जाएगी। वहां उनके 2 सेनापति थे, चूड़ावत और शक्तावत। चूड़ावत हमेशा आगे लड़ते थे हरावल दस्ते में। राजस्थान में आगे लड़ना, युद्ध में आगे लड़ना, यह गौरव का विषय माना जाता था, यानी पहले मरेगा कौन। कुर्सी के लिए लड़ाइयां बहुत हुई है सर, मरने के लिए कंपटीशन हुआ हो यह एकमात्र उदाहरण है दुनिया का। तो शक्तावत गए राणा अमर सिंह के पास, कहने लगे राणा हम लड़ना चाहते हैं। राणा जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उनके सामने एक शर्त रख दी, कहने लगे कि सामने जो किला तुम देख रहे हो, तुम दोनों अपनी टुकड़ी लेके जाओ, जो भी इनमें पहले प्रवेश कर जाएगा उसे हरावल दस्ते का अधिकार मिलेगा। राणा को सपने में उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन जो युद्ध होगा वो विश्व के इतिहास का अद्भुत युद्ध होगा। मैं कविता के विषय को यही विराम देता हूं, बाकी आप पर छोड़ता हूं, मुझे इससे अच्छी कोई घटना भी मिली नहीं है, यदि आप मिले तो मुझे इतिहास में बताइएगा, मैं अगली बार उस पर भी कविता लिखूंगा। सुने क्या है राजस्थान, जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। राजस्थान के बारे में कहा, हमारे यहाँ पानी बहुत कम है, पानी नहीं, हम तो रेत में जीते। बस पहली लाइन राजस्थान का परिचय, हमारा परिचय, कविता शुरू होती है कि जहां शीशले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, मैं आपका ध्यान चाहता हूं, और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे। चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे, शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम, यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया, बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं, सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। मैं ध्यान चाहता हूं शब्द शिल्प के ऊपर, समझदार लोग बैठे हैं, मुझे निराश ना करें, मैं बोल क्या रहा हूं, सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, वो जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं, चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा, जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना फिर बोले, जैसे पृथ्वी के कंपन को शेष नाग फंडोले, बोले श्रीमन आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है, आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं, एक लिंग की चरण कसम शरण में शीश काट के रख दूं, शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है, अरे भूल गए घायल कबंध ने पैरों युद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने, वो अपना इतिहास याद दिलाता है, भूल गए घायल कबंध ने पैरों युद्ध किया है। तो क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, मैं फिर ध्यान चाहता हूं आप लोगों का, कैसा लगा उसे जब हक छिन रहा था, क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर पुकार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर पुकार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर पुकार रहा था, राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, और विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे, विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे, सहसा राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, और अचानक राणा को ही सूझी युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली, उंठा लाका किला मुगल सब सैनिक कब जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं, जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा, रुने शर्त रख दियो, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था,
मैं फिर ध्यान चाहता हूँ खुद की हार जीत के लिए नहीं लड़ता था। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी के हित लड़ना था, वरन लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही मरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, जो सोचता है वो सपने में दिखता है, पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई। और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई, भोर हुई रणभेरी गूंजी और दुद्ध भी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली, आज नहीं निर्णय होना था हार और जो जय का। एक लाइन अच्छी सी लिख गई है तो ध्यान दीजिएगा, आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही दुल्हन होना था, मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। मेरा मन रखने के लिए ताली बजाना, मैंने अच्छी सी बात कह दी है। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे इस जिद पर अड़े हुए थे, कौन वरेगा उसे इसे इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, युद्ध कितना भीषण हुआ होगा, और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी, पहले किसको वरूं इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, युद्ध का पहला दृश्य मेरे रोंगटे खड़े, गुणवीर भाई सुनेगा, भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी, दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे, दोनों योद्धा अरिदल से यूं भूतल काट रहे थे, सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। मैं दावा करता हूं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं पहला सीन प्रकट कर रहा हूं। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया, बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर कर लिया, को अंदर जाने दो, कहा महावत से स्वामी। देखिए भारत माता मंदिर के चेयरमैन के मुंह से निकल गई भारत माता की जय, तो एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरछी धर दूं, बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ। अब यदि लगे कि युद्ध में ऐसा भी कभी इतिहास रहा होगा, अपने इतिहास पर गर्व कीजिएगा, बालू बोला वीर व्यर्थमक नाहक समय गवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, मैं कविता का क्लाइमैक्स पढ़ रहा हूं और मैं खुद रोमांचित हूं, कि विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था, हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर, गज मस्तक को भिगो रही थी शत शौणित पिचकारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। हाथी शौणित की पावन गंगा में नहा चुका था, हाथी शौणित की पावन गंगा में नहा चुका था, बालू सिंह भी उधर रक्त के धारे बहा चुका था। अब सीन यह है सर कि बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है, उसकी पीढ़ी को हक मिलने वाला है कि वह हमेशा आगे लड़ेगी। अब अंतिम दृश्य देखें, जैत सिंह कैसे क्या कर रहा है, उधर जैत सिंह भीरण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प को कंगूरे चढ़ता था, जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया, सारे सपने ध्वस्त हो गए, कूदने वाला था हाथी से पहले कूदता, गोली लगी अब नीचे गिरा, कहना अब तो बालू सिंह जाएगा अंदर। क्या करता है इतिहास, मैं ध्यान चाहता हूं अंतिम पंक्ति कह रहा हूं, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया, सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा, तो शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है। मैं कलम के दो अर्थ ले रहा हूं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, शीश कलम करके ही आप लोगों का ध्यान जाता है, शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय को नए नए धरता है, युद्ध देव को जब शौणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक पथ के पथ पर कुछ बढ़ता है। तो लगी तरीक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में,
अब वो बालू सिंह का हाथी और वो कैसे एंटर कर रहा है मुझे विदा कीजिएगा। लगी तदिकना देर, उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे शीश काट देने में, तो उन ठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था। काल ठिटक कर रुका, काल ठिटक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था। काल ठिटक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था। किसको लिखूं महान, सोच में पड़ी थी हंस गया था, किसको लिखूं महान।